हेलो दोस्तों, स्टूडेंट इससे करने वाले अमीरात रॉयल्स वर्सेस द अर्सेट टाइटंस के बीच में होने वाले फैन कोडोमान डोमेस्टिक टी20 सीरीज का आज का दिन का पहला मुकाबला के बारे में। दोस्तों बहुत सारे मुकाबले ऑलरेडी टी20 सीरीज में हो चुका है दोस्तों, और मुकाबले बेहतरीन रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना एक टीम बहुत बढ़िया टीम से जो कि AMR की टीम से, और एक टीम बहुत ज़्यादा वीक है जो कि DAT की टीम से। आपको पता है कि भाई कि जो कि DAT की टीम से ना, वो दोनों दोनों मुकाबले इनकी टीम ने हारी थी, और इनकी जो टीम से दोनों दोनों मुकाबले विन कर रहे थे। तो यहाँ पे टॉस तो पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बिना टॉस के हम टीम नहीं बना सकते, टॉस आएगी मज़ा आएगा, मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो दोस्तों, हर प्ले का स्टार्ट आपको मिलेगा, चाहे आपको AMR टीम की हो, चाहे आपको सामने वाला टीम DAT की टीम तरफ से हो, ठीक है। हर प्ले का स्टार्ट आपको मिलेगी, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले भाइयों, आप एक काम करो, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो का यार लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो ना तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। टेलीग्राम पे ही आपको फाइनल टीम मिलती है, कन्फर्म वेटिंग ऑर्डर मिलता है, बहुत बढ़िया विनिंग चल रहा है आज। अब टेलीग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। अगर लिंक नहीं काम करेगा दोस्तों, तो फिर आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे, और टेलीग्राम पे आपको सिंपली सर्च करना है, मैं फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। वहीं से भी आप जुड़ सकते हो, 10,600, 10,700 इसी के समथिंग आपको सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। और ये हमारा रियल चैनल है, आपको यहीं पर क्लिक करके जुड़ना भी है। हमारे ही नाम से कुछ चैनल ऐसे बने जो कि फेंक है, फ्रॉड है, तो दोस्त आप लोग उससे बिल्कुल भी सावधान रहो। मुकाबले जो टाइम रहेगा दोस्तों वो रहेगा 7 बजे, वेन्यू जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा, मतलब जितने भी ओमान में मुकाबले होंगे ना एक ही वेन्यू पे होंगे, ठीक है। तो वेन्यू सेम रहेगा, अल इमरात ग्राउंड ओमान में, ठीक है। अब तक इस वेन्यू पे और इसी सीरीज में कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 6 जीता है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 2 मुकाबले विन करे। यहाँ पे तो AMR की टीम बढ़िया टीम से, इनकी टीम विन करनी चाहिए, और टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने माइंड में रख के चलिएगा, बिना टॉस के टीम नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहले बात करेंगे यहाँ से AMR टीम की, इनकी टीम आपका देखोगे पहला वाला मुकाबले में इनकी टीम ने 94 रन करी थी गाइस, उसके बाद इनकी टीम ने 139 रन करी। लास्ट मुकाबला बहुत तगड़ा स्कोरिंग कराई थी, दोनों दोनों मुकाबले विन करके आ रही है। इनके जो ओपनर है दोस्तों वह यहाँ पे पार्थिक अथवाले, इनके साथ आएंगे अक्षय पटेल। बात करेंगे पार्थिक अथवाले की, जो कि आपको विकेट कीपिंग करा के देगा, राइट एंड बैटिंग कराता है, एज अ विकेट कीपर प्ले कर रहा है, 13 और 30 कर रहा है। स्मॉली एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, आप स्मॉली की टीम में इनको डायरेक्टली कवर करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। उनके बाद आएंगे अक्षय पटेल, जो कि इनके साथ ही ओपनिंग करेगा। देखो अक्षय पटेल और ये दोनों कोई ना टीम के मेन, हाँ मतलब ओपनर कह सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इनको भी कवर करके चलिएगा। उनके बाद अक्षय पटेल को भी पिक करेंगे, 57 और 27 रन करे, शानदार पारी खेला था भाई लास्ट मुकाबले में भी, और अपनी टीम की एक बड़ा मतलब स्कोरिंग कराई थी, इंपॉर्टेंस रहेगा ही रहेगा। स्मॉली की टीम में आपको लेकर चलना है। करण सोनावाले जो कि टीम में कैप्टन है दोस्तों, लास्ट मुकाबले में उन्होंने 1 ओवर के बॉलिंग भी कराई थी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ना पार्ट टाइम में बॉलर है, क्योंकि ओमान में T20 की सीरीज हो रही थी दोस्तों, वहाँ पर 7 मैच में 3 विकेट निकाले थे, कुछ ओवर के बॉलिंग करा के, मतलब कंप्लीट वैसे तो एज ए बैट्समैन है, बट कभी कभी टीम इनको पार्ट टाइम दे सकते हैं, वैसे कंप्लीट है ना टीम का कैप्टन है ना, तो कभी कभी करा लेते हैं, वैसे तो कंप्लीट बॉलर नहीं है, आपको ध्यान रखा चलेगा पहले, लेकिन बैटिंग से बढ़िया है। उनके से बाद आते हैं रफीउल्ला, जो कि राइट एंड बैटिंग कराता है, राइट एंड फास्ट बॉलर है, पहले वाला मैच में 2 विकेट, बैटिंग से 1 रन करे थे, पहले वाला मैच में भी ऊपर ही खेला था, उसके बाद लास्ट मुकाबले में 28 रन करे थे, नॉट आउट, 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी ना, कंप्लीट बॉलर है, कंप्लीट ऑलराउंडर आप इनको कह सकते हो। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, कैप्टन वाइज कैप्टन से आप इनको करके चलिएगा। उनके बाद आएंगे मेहरान खान, मेहरान खान इस वाला मुकाबले में को लगता है टीम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेगी, तो मेहरान खान को 2 ओवर मिलेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा दोस्तों। मेहरान खान को भी पिक करना है, मतलब इस टीम सब ज़्यादा पलों को इंक्लूड करके चलिएगा, ज़्यादा बॉलिंग सेंस है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था ना, टॉस जब तक नहीं आती ना, जब तक कुछ भी कहना थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है। विनायक शुक्ला कुछ खास इंपॉर्टेंस प्लेयर है नहीं, पहले वाला मुकाबला 9 रन, लास्ट मुकाबला सिर्फ फील्डिंग कराई थी। आप रिसेंट का भी परफॉर्मेंस इनका देखोगे, चाहे T20 का हो, चाहे 50 ओवर गेम का हो, कुछ खास है नहीं, ठीक है। यासिर अली ने पार्ट टाइम बॉलिंग कराई थी भाई लास्ट मुकाबले में, और शायद लास्ट मुकाबले में सिर्फ फील्डिंग करे थे, उसके पहले वाला मुकाबले में उन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी, ठीक है। वैसे पार्ट टाइम में बॉलर है, कंप्लीट है भी बॉलर ही नहीं है, ठीक है। उनके बाद आएंगे काफी उन नबी सिद्दीकी, जो कि कंप्लीट है विकेट टेकर बॉलर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनको ना टीम मतलब डेथ में दिया था, ठीक है। हालांकि ज़्यादा ओवर डेथ में नहीं कराते, 1 ओवर कराए थे डेथ में, और 1 ओवर मिडिल ऑर्डर में डाला था, इसलिए इनको विकेट मिला भी था। स्मॉल की टीम में इनको डायरेक्टली कवर करके चलेंगे, स्लो लेफ्ट में थोड़ा बॉलर है। उनके बाद आएंगे विनायक खांडेल, जो कि एक अच्छा खासा बॉलर कह सकते हो, पहले वाला मुकाबला बॉली विकेट ना दिया हो, और पहले वाला मुकाबला बॉली भी नहीं कराई थी, उसके बाद इन्होंने 2 ओवर डाल के 2 विकेट भी निकाला था। उनके बाद आएंगे हेमल तांडेल, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, आप इस मौली की टीम में इनको लेकर चलिएगा, ठीक है। दोनों मुकाबले 2 ओवर के बॉलिंग कराई है, वो सामने वाले टीम में वीक है,
तो मेरे को लगता है कि अगर सामने वाली टीम पहले बैटिंग करेगी ना, ग्रैंड लीग में कैप्टन विन को आपको करना है। उनके बाद यहाँ पे वीरेन पटेल आ जाएंगे जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग कराई थी। मेरे को लगता है दोस्तों क्या कि हमने की टीम मतलब पहले बैटिंग करी ना, तो इनके जो कि पार्ट टाइम में बॉलर है ना, उनको यार मिल सकता है, ठीक है, मतलब बॉलिंग करने का मिल सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ इनके साथ रहेगा जरूर, ठीक है। थोड़ा सा टीम एक्सपेरिमेंट करना चाहेगी, अब ध्यान रखा चलेगा। दोस्तों आपने इस टीम से प्रतीक अथवाले को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में, अक्षय पटेल को पिक करेंगे, करण को पिक करेंगे, रफीला को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में। उनके बाद आप मेहरान खान को लेकर चलिएगा। यासिर अली को भले ही लास्ट मुकाबले में बॉलिंग नहीं मिली थी, लेकिन बॉलिंग दे सकती है क्योंकि सामने की टीम बहुत ज़्यादा वीक है, आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। उनके बाद हाफिज को पिक करेंगे, उनके बाद विनय को पिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हेमल को पिक करेंगे। बीरन पटेल को एक ओवर की बॉलिंग मिली थी, अभी कंप्लीट बॉलर है दोस्तों, लेकिन इनको पहले वाला मुकाबला मिला नहीं था। वैसे कंप्लीट बॉलर नहीं कह सकते क्योंकि पार्ट टाइम में बॉलर है, और लास्ट में आकर हिटिंग करने का क्षमता है, ठीक है। पहला और तीसरा ओवर डालता है हेमल तांडेल, दूसरा और चौथा ओवर डालता है रफीउल्लाह ने, ठीक है। उनके बाद इनका डेथ कर देखोगे, हाफिज ने डाला था अठवा, नवा डाला था यहाँ पे वीरेन पटेल, दसवा आए थे विनय खांडेल। उनके बाद बेंच पे जितने बैठे प्लस जितना बैठे ना, सबका मैंने स्टार्ट निकाला है, बाकी कोई खेलता है किसी टाइम में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। डीए टी की टीम बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। पहले वाला मुकाबला आप देखोगे 81 रन करे थे, फिर भी हारी थी इनकी टीम ने। उसके बाद इनकी टीम ने 67 रन करे थे दोस्तों, मतलब इनकी टीम अगर पहले बैटिंग करेगी 70 से 75 स्कोरिंग करेगा, उनकी टीम बहुत ज़्यादा वीक है, तो विकेट गिर सकता है, ठीक है। इनके जो ओपनर है खुर्रम खान नवाज़ है, इनके साथ आएंगे यहाँ पे चमिंदा लकमल, ठीक है। खुर्रम खान नवाज़ जो कि एक अच्छा खासा विकेट कीपर कह सकते हो, हालांकि विकेट कीपर सेक्शन में अवेलेबल नहीं है, बंदा बैटिंग सेक्शन में अवेलेबल है, लेकिन टीम की तरफ से बंदा विकेट कीपिंग करा रहा है। 36 और 12 रन कर रहे थे रिसेंट में, T20 का एक सीरीज हुआ था ओमान में, वहाँ पर भी 10 मैच में 341 रन कर रहे थे। ओवरऑल बढ़िया प्लेयर दोस्तों, आई प्रेफर आप बैटिंग सेंस से इनको पिक करके चलेगा। चमिंदा लकमल जो कि लेफ्ट में बैटिंग कराता है, 8 और 4 रन करे, मेरे हिसाब से आपको स्मॉली की टीम में छोड़ देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ओमान में जो T20 की सीरीज हो रहे थे ना, वहाँ पे 7 मैच में सिर्फ 4 रन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इनको टीम बैटिंग ही नहीं दे रही थी, मतलब कुछ खास प्लेयर है नहीं, आप ना बिना रिस्क के छोड़ सकते हो, ठीक है। अमन प्रीत सिराज जो कि राइट में बैटिंग कराता है, राइट में लेग स्पिन बॉलर है दोस्तों, वैसे तो कंप्लीट ये ऑलराउंडर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगा, प्रॉब्लम ये रहेगा अगर इनकी टीम अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करी तो मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि सामने की टीम तो बढ़िया टीम से दोस्तों, अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करी तो फिर विकेट भी ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इनको विकेट मेरे हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो फिर मेरे हिसाब से ज़्यादा विकेट इनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो उस चीज़ आप ध्यान रखकर चलिएगा। वैसे पल पिक करना अभी के लिए। उनके बाद यहाँ पे सचिन कुमार जाकर आएंगे जो कि राइट में बैटिंग कराते हैं, राइट में मीडियम पेसर बॉलर है। पहला वाला मैच में 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी, उसके बाद 2 ओवर डाला था, 2 विकेट निकाला था, इंपॉर्टेंस ये भी रहेगा, आपने इनको भी कवर करके बिल्कुल भी चलिएगा। उनके बाद आएंगे उबैदुल्ला जो कि राइट एमेडिक रहा था, राइट एम फास्ट बॉलर है, कंप्लीट टीम के मेन ऑलराउंडर है दोस्तों, लास्ट में आकर हिटिंग करने का बहुत ज़्यादा क्षमता है। पहले पहला मैच में 22 रन करे तो और 1 विकेट निकालता 2 ओवर डाल के, लास्ट में करना 15 रन, 2 विकेट 2 ओवर डाल के दोस्तों, इंपॉर्टेंस रहेगा, आप इनको कवर करके चलो। कितना लोग इनको कैप्टन करेंगे, वाइस कैप्टन करेंगे, बट आई प्रेफर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन से मत करो, ठीक है, क्योंकि सामने की टीम बैटिंग से भी बॉलिंग से भी बहुत बढ़िया है, तो बैटिंग से रन नहीं करने देगा, बॉलिंग से चलने नहीं देगा, तो मेरे हिसाब से इनके बॉलर को कैप्टन करना, वाइस कैप्टन करना थोड़ा सा रिस्क रहेगा। उनके बाद आएंगे अर्जुन कुमार जो कि राइट एंड बैटिंग कराता है दोस्तों, उतना खास प्लेयर है नहीं, स्मॉली की टीम में छोड़ सकते हो। और उनके बाद आएंगे इकराम शहादत। अब देखो हमने लास्ट मतलब वीडियो बनाई थी ना, उसमें हमने बताया क्या था इनके बारे में, हमने ही बताई थी दोस्तों कि ये प्लेयर बहुत शानदार है, वैसे टीम के मतलब कैप्टन है ना, तो इनको बॉलिंग मिलनी चाहिए, वैसे ही हुआ, 2 ओवर की बॉलिंग करवाई थी दोस्तों और 3 विकेट लेकर गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 8वां और 10वां ओवर डालने आए थे, जहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिरते हैं, तो वहीं डाले थे, फिर वहीं कुछ हो सकता है, इनके साथ रिस्क रहेगा, मैं आपको पहले बताता हूँ, इनका सिलेक्शन रेट बढ़ गया है, लेकिन आई प्रेफर आप स्मॉली की टीम में, हेड टू हेड की टीम में इनको लेना बेटर नहीं रहेगा। नलिंदा प्रसाद जो कि आपको सिर्फ बैटिंग करा कर देगा, ग्रैंड लीग भी रहेगा। याग्निक अश्विन पांडे 2 ओवर की बॉलिंग कराई है, विकेट नहीं मिल पाया है, इंपॉर्टेंस रहेगा। जोशिन ने भी सिर्फ फील्डिंग करा रहे और चैत्रा भी सिर्फ फील्डिंग ही करा रहे दोस्तों, आपने जो इस टीम से स्मॉली की टीम में पिक करना है वो पिक करना है खुर्रम नवाज खान को। उनके बाद अमनप्रीत को पिक करेंगे दोस्तों स्मॉली की टीम में। सचिन कुमार जागरा इंपॉर्टेंस रहेगा, उबैदुल्ला इंपॉर्टेंस रहेगा, इकराम शहादत को मैं नहीं बोलूँगा लेने को, ठीक है, क्योंकि इतना लास्ट मुकाबला भले ही 2 ओवर की बॉलिंग कराई हो, लेकिन वैसे कंप्लीट बॉलर नहीं है, मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप छोड़ सकते हो, लेना है तो आप इनके साथ जाओ, अग्नि के साथ, क्योंकि ये कंप्लीट टीम के मेन बॉलर आप कह सकते हो। स्टार्टिंग को बस सचिन डलता पहला, दूसरा डलता उबैदुल्ला, तीसरा आए थे अश्विन पांडे, डेथ में आए थे इकराम शहादत 8वां और 10वां, इसलिए इनको 3 विकेट मिला भी था, ठीक है। वैसे यार मतलब
उनके बाद बेंच पे जितने बैठे हैं, पहले सबका नाम, सबका स्टार्स मैंने निकाली है, बाकी देखते हैं कि कौन कौन खेलता है, उसके बाद आपको बताएंगे टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले भाई आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना बनता है। विकेट कीपर सेक्शन में खुर्रम खान को डायरेक्टली पिक करेंगे दोस्तों। प्रतीक अथवाले भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा, आप इनको भी ले सकते हो स्मॉली की टीम में। उनके बाद आएंगे बैटिंग सेक्शन में, ए पटेल को पिक करेंगे, अक्षय पटेल इनका नाम है, उनके बाद इनको पिक करो आप डायरेक्टली स्मॉली की टीम में। उनके बाद बी शुक्ला कुछ खास है नहीं दोस्तों, आप इनको छोड़ दीजिएगा। उनके बाद अमनप्रीत एक टीम के मेन ऑलराउंडर कह सकते हो, आप इनको भी कवर करो। बाकी बैटिंग सेक्शन में कुछ खास है नहीं, खांडवेल एक बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, मैं जाऊंगा खांडवेल के साथ, क्योंकि इकराम सादा तो 3 विकेट निकाले थे इसलिए लोग इनको ले रहे हैं, लेकिन आई प्रेफर आप इनके साथ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंस प्लेयर रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाला था लास्ट मैच, ठीक है, आप इनको ही कवर करो मेरे हिसाब से। उनके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आएंगे, खवारा अली खेलेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा दोस्तों, अभी नहीं खेल रहा तो नहीं पिक करेंगे। रफीउल्लाह को पिक करेंगे, सचिन को पिक करेंगे, मेहरान खान इंपॉर्टेंस रहेगा, आप मेहरान खान जगह पे आप इनको भी ले सकते हो। बाकी देखते हैं क्या क्या चांस होता है, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे बताएंगे। बॉलिंग सेक्शन में उबैदुल्ला तांडेल, उनके बाद इनको पिक करेंगे दोस्तों। यासिर अली पार्ट टाइम बॉलिंग कराता है, मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहना चाहिए, बाकी देखते हैं कि क्या कुछ होता है, ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे। रफीउल्लाह मेरे कैप्टन रहेगा, क्योंकि इमरात रॉयल को मैं टीम को फेवर कर रहा हूँ ना, तो इसको मैंने कैप्टनसी दिया। अमनप्रीत सिरा को मैं वीसी दे रहा हूँ, आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिवर्स करके चल सकते हो। उनके बाद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का बेहतरीन ऑप्शन दूसरा मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि जो बॉलिंग करे बैटिंग करे आप उनके साथ जाओ दोस्तों। कंप्लीट डेमो टीम है दोस्तों, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीमों को लास्ट टाइम मिलेगी टेलीग्राम पर, जब आप जुड़ेंगे तो जुड़ के चलिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, बेस्ट ऑफ लक।